आज हमारी सुनवाई थी 22 फरवरी को, सर डेट पे डेट मिले जा रही है। ये बोर्ड की सर मनसा ही नहीं है कि इस केस को सुलझाया जाए। कभी तो जज के पास टाइम नहीं होता, कभी हमारे बोर्ड के नलिन जी के पास टाइम नहीं होता है, तो डेट पे डेट लिए जा रहे हैं। जज साहब ने जब ये कहा कि भाई अगली तारीख 23 तारीख को सुनवाई फैसला कंटिन्यू रख लेते हैं, तो वकील के जो हमारे बोर्ड के वकील हैं नलिन नारायण जी, उनके पास टाइम नहीं है, फिर कभी किसी के पास टाइम नहीं रहता है। तो बोर्ड की मंशा है ही नहीं कि इस भर्ती को पूरा किया जाए, और कहीं ना कहीं इस सरकार की भी मंशा सर हमें कम लग रही है बीजेपी की सरकार को। सर बीजेपी की सरकार में हमें एक शिक्षक को धरने पर बैठना पड़ रहा है, जहाँ शिक्षक को स्कूल में होना चाहिए धरने पर बैठे हैं। तो ये सर कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं है, ना बोर्ड की मंशा है कि भर्ती को पूरा किया जाए। और आज 5,500 बच्चे बच्चे भर्ती से प्रभावित हैं, इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, और मैं यही कहना चाहूँगा। सर तारीख तारीख पहले से मिलती आ रहे, हमें तो वैसे विश्वास नहीं था कि तारीख हमारा आज निर्णय हो जाएगा, पर अंतिम यही है कि सरकार खुद ही चाहती नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड बोल रहा है कि लंबा चलता रहे, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और सरकार ये चाहती है कि इस मैटर में क्या मतलब ही नहीं है कि 6,000 बच्चे, उनमें से कुछ तो 16,000 ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुछ प्रोजन में हो रखा है, कुछ रिक्त पड़े हैं, और कर्मचारी चयन बोर्ड भी नलिन जी है, वकील कौन है मैं उनको नहीं जानता हूँ, पर वो ये चाहता है कि केस को चलने दो, अपना कोई खास इसमें प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और डबल ए जी ये चाहता तो अब आज निर्णय कर देता। डबल ए जी खुद ये चाह रहा है, कहाँ दिक्कत है, कोई 20-25 लोग बैठे हैं धरने पे। 25 फरवरी को 2023 में परीक्षा है, 25 फरवरी आने वाली है, फिर भी आपको नियुक्ति नहीं मिल रही, किन किन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ रहा है? सर मैं हर परेशानी से गुजर चुका हूँ, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसमें मेरे में बीती नहीं हो। अब आखिर मेरी ये कि मैं मरने के कंगार पर हूँ, ना तो सरकार सुन रही है, न हमारे वकील सुन रहा है, न हमारे डबल ए जी सुन रहा है, कोई पैरवी की राजी नहीं है, तो मैं मरने की कंगार पर हूँ। आखिरी इच्छा ये है कि मैं अब जाएगी तो मेरी लाश घर पे जाएगी। अब प्रदर्शन तो मेरा तो मन ये है कि अंतिम मेरी लाश है घर पे। सर 3 महीने से हमको तारीख पे तारीख मिल रही है, हर एक जब नेक्स्ट तारीख आती है हियरिंग होती है, एक एक्सपेक्टेशन लगती है, कुछ आशा जगती है कि इस बार कुछ होगा, बट उसके बदले में कुछ नहीं मिलता, आशा लगती है वो टूटती है बहुत बुरी तरीके से। तो आज भी इसी तरीके से हमारी हियरिंग थी, मतलब आज तो हमको पूरा ही हमको विश्वास था कि आज कुछ ना कुछ निष्कर्ष आएगा पॉजिटिव तरीके से, बट जैसे आशा थी उसके बिल्कुल विपरीत हुआ है। सुनवाई हुई, आधे घंटे बहस भी चली, और अंत में एक ही लाइन सुनने को मिली कि वापस आपको 29 नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल चुकी है। मतलब अब विश्वास नहीं हो रहा कि अब हमारा कुछ होगा भी या नहीं भी होगा, ऐसे लगता है। फिर एक आचार संहिता आ रही है, एक झेल के आ चुके विधानसभा वाली, अब लोकसभा की आ रही है, तो मतलब ना माइंड ब्लैंक हो चुका है, सब कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। अब सर आज 29 तारीख को नई डेट मिली है, पीछे भी हमें तारीख पे तारीख मिलती रही है, आज फिर एक नई तारीख मिली है। हम बहुत खुश थे कि आज हमारा अंतिम फैसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब बोल रहे हैं कि फाइनल डिस्पोजल पे है। हर बार हमें ऐसे ही बोला जाता है कि फाइनल डिस्पोजल पे है आपका केस, और आपको राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी आज उदास हैं, और एक लंबी डेट मिली है, और ये धरना भी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, लोग उदास हैं। हमने जो सोचा था वही हुआ, हमने पहले भी ये बोला था कि पहले भी तारीखें मिली हैं और आज भी तारीख मिली थी, और फिर ऐसे बोल रहे हैं कि 29 तारीख मिली है। अब देखो 29 को क्या होता है, हमारे को तो अभी विश्वास नहीं है, विश्वास ही उड़ चुका है बिल्कुल। हम तो सभी पे विश्वास उड़ चुका है, सरकार पे उड़ चुका है, और वो भी उड़ चुका है, सब पे हमारा विश्वास उड़ चुका है, और अब एक 29 देखो क्या होता है। 29 को मैं नहीं मानता कि हो जाएगा, तो कब तक तारीखें मिलती रहेंगी, कब तक ये चयनित होने के बाद भी यहाँ पर ही हम टाइम निकालते रहेंगे, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, कोई पता नहीं। अभी लापरवाही बरती जा रही है बिल्कुल, ये तो पक्की बात है।